एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने सड़क दुर्घटना में मल्टीपल फ्रैक्चर के पीड़ित एक मरीज का ऑपरेशन कर उसे नया जीवन प्रदान किया है। राजनांदगांव निवासी मरीज को पूर्णतः बेहोशी में अस्पताल लाया गया था। अस्पताल में मिले बेहतरीन उपचार से मरीज अब स्वस्थ हो चुका है। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने एक बार फिर से अपनी श्रेष्ठता साबित की है। सड़क दुर्घटना में शरीर के विभिन्न अंगों के क्षतिग्रस्त होने, मल्टीपल फ्रैक्चर से पीड़ित राजनांदगांव निवासी युवक राजेंद्र जंघेल जो पूर्णतया बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया था, उसे वेंटिलेटर पर रखकर ऑपरेशन का डॉक्टरों ने नया जीवन प्रदान किया है। मरीज के अस्पताल आते ही अस्पताल के न्यूरोसर्जन, आर्थोपेडिक सर्जन, प्लास्टिक सर्जन, आई सर्जन ने मरीज का उपचार आरंभ किया, जो अब पूर्णतया स्वस्थ हो चुका है। सभी को पहचानने के साथ उसकी आंखों की रोशनी भी बेहतर हो चुकी है। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर रंजन सेन गुप्ता, आईसीयू एनेस्थीसिया इंचार्ज डॉक्टर पवन देशमुख, आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर दीपक सिन्हा, आईसीयू रेजिडेंट डॉक्टर नीलम चंद्राकर ने मरीज के उपचार को लेकर जानकारी दी। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक सिन्हा, ऑर्थोपेडिक सर्जन एसआर हॉस्पिटल। रामेंद्र जंघेल नाम का एक पेशेंट जो कि 24 साल का एक युवक था, वो कुछ दिन पहले हमारे अस्पताल में आया। रात के समय में आया था, वो राजनांदगांव सरकारी अस्पताल से रेफर्ड पेशेंट था। पेशेंट को बहुत सी गंभीर चोटें आई थी, उसको एक्सीडेंट के कारण ब्रेन में हेमरेज हुआ था। ये जो बाया आँख था उसका, उसके चारों तरफ के सॉफ्ट टिश्यू वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए थे। उसका आँख जो था पूरे तरीके से एक्सपोज हो गया था और लेफ्ट साइड के अपर लिंब में उसको मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे। तो पेशेंट की जान बचाना उस समय बहुत मुश्किल था और पेशेंट बहुत गंभीर स्थिति में आया था। तो हमने रात में ही उसको सर्जरी किया। वहाँ पे न्यूरोसर्जन, प्लास्टिक सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन और आई सर्जन, चारों लोगों ने हमने मिलकर उसको ऑपरेट किया। और चूंकि पेशेंट की स्थिति अच्छी नहीं थी, बहुत गंभीर अवस्था में वो आया था, तो पेशेंट को हमने वेंटिलेटर पर रखा हुआ था। पर दूसरे ही दिन पेशेंट के वाइटल्स स्टेबल हो गए और पेशेंट को हमने वेंटिलेटर से आउट कर लिया। अभी जो है पेशेंट वो स्वस्थ है, काफ़ी अच्छा कर रहा है, चलना फिरना उसका शुरू हो गया है और जल्द ही हम उसको डिस्चार्ज करने वाले हैं। तो मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि इस तरीके के जो मरीज़ हैं जिनको बहुत सी गंभीर चोटें आई हैं, वो ज़रूर एसआर अस्पताल में आकर अपना इलाज करा सकते हैं। हमारे यहाँ पे न्यूरोसर्जन, प्लास्टिक सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, एब्डोमिनल सर्जन, कार्डियोवैस्कुलर सर्जन, ये सारे लोग, ईएनटी सर्जन, आई सर्जन, ये सारे डॉक्टर्स जो हैं, सारे स्पेशलिस्ट जो हैं, ये हमेशा उपलब्ध रहते हैं। तो मरीज की केयर करने में हमको बहुत सहायता मिलती है और मरीज़ का हम अच्छे से इलाज कर पाते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन देशमुख, एनेस्थीसिया और आईसीयू इंचार्ज एसआर हॉस्पिटल चिखली दुर्ग। मैं आप सभी को बड़े हर्षोल्लास के साथ ये बताना चाहूँगा कि हमारा एक मरीज 3 फरवरी को एडमिट हुआ था, रामेंद्र जंघेल, 24 वर्षीय युवक। ये एक दूसरे अस्पताल से रेफर किया हुआ मरीज था, जिसके सर में काफ़ी गंभीर चोट थी, अंदर खून का बड़ा सा थक्का जमा हुआ था, राइट हैंड में कि दोनों हड्डियों में फ्रैक्चर था, लेफ्ट आँख बुरी तरीके से डैमेज हो गई थी, जिसका बचा पाना मुश्किल लग रहा था, और साथ में पेशेंट पूरी तरीके से बेहोश था। ऐसी अवस्था में रात के वक्त मरीज हमारे अस्पताल में आया, जिसको हमारे सर्जन डॉक्टरों की टीम ने टैकल किया। हमने डिसाइड किया इसका तुरंत ऑपरेशन करना चाहिए, क्योंकि सर की चोट और आँख बचाना भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। इस ऐसी परिस्थितियों में जल्द से जल्द ऑपरेशन कराना हमेशा सही होता है, और हमारी डॉक्टरों की टीम जो 24 घंटे बिल्कुल तैयार रहती है ऐसे मरीजों को टैकल करने के लिए। एनेस्थीसिया पॉइंट से इस काफ़ी चैलेंजिंग केस था, क्योंकि पेशेंट की स्थिति काफ़ी गंभीर थी, ऐसे में उसको बेहोश करना और बेहोशी से बाहर लाना एक बड़ा टारगेट था। हमने सक्सेसफुली ऑपरेट किया, हमारे न्यूरोसर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, प्लास्टिक सर्जन और आई सर्जन, इन चार लोगों ने मिल के एक ही सेटिंग में इसका ऑपरेशन किया गया। चूँकि सर की चोट काफ़ी गंभीर थी, ऐसी अवस्था में हमने ऑपरेशन के बाद मरीज़ को वेंटिलेटर पर रखा, पर चूँकि चारों डॉक्टरों द्वारा किया गया कार्य काफ़ी सफल हुआ था, मरीज़ की कंडीशन अगले दिन इम्प्रूव हुई, हमने उसको, मरीज़ अगले दिन होश में भी आ गया, फिर हमने उसके मुंह की नली निकाल के वेंटिलेटर से उसको आउट किया। अभी मरीज़ पूर्णतः स्वस्थ है और आईसीयू से छुट्टी होकर घर जा रहा है। साथ ही उसकी जो आँख पूरी तरीके से डैमेज थी, उसमें भी रोशनी वापस लाने में हमारी डॉक्टरों की टीम कामयाब रही है।
और मरीज़ अभी पूरी तरह फंक्शनल है। सर की चोट से भी अभी तक तो कोई नुकसान नहीं दिखा गया है। मरीज़ पूरे तरीके से चारों उसके हायर ब्रेन फंक्शंस नॉर्मल है। तो मैं जनता से यही अपील करूंगा कि ऐसे किसी भी गंभीर चोट के लिए हमारा अस्पताल सेवा देने के लिए तत्पर रहता है। हमारे डॉक्टरों की टीम हमेशा तैयार रहती है। तो आप बिना किसी हिचकिचाहट के हमारे पास आ सकते हैं, हम आपको बेस्ट सर्विसेज देंगे। मैं डॉक्टर नीलम चंद्राकर, आईसीयू रेसिडेंट। पेशेंट रमेंद्र हमारे यहाँ 5 तारीख को एडमिट हुआ था। पेशेंट को रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था, बहुत ही ख़राब चोट लगा था। पेशेंट को सिर की भी अंदरूनी चोट लगी थी, दाहिने हाथ का हड्डी फ्रैक्चर था और बाएं हाथ में बहुत ही गहरा चोट लगा हुआ था। आँख के ऊपर की स्किन निकल गई थी। इमीडिएट पेशेंट को आईसीयू में लेकर मैनेज किए और दूसरे दिन ही पेशेंट को इमरजेंसी सर्जरी में लिया गया, जिसमें सिर का ऑपरेशन किया गया, जिसको डिकम्प्रेशन क्रेनियोटॉमी बोलते हैं, और आँख के ऑपरेशन किया गया। जब पेशेंट इनिशियली आया था तो उसको देखने में तकलीफ थी, कलर नहीं पहचान पा रहा था, काउंट नहीं कर पा रहा था। उसके बाद अब रिपेयर किया, उसके बाद अभी पेशेंट काफ़ी अच्छे हालात में है। अभी उसको दिख भी रहा है, कलर भी पहचान पा रहा है, पूरी तरह से पेशेंट स्टेबल है, बहुत ही अच्छा हो गया है। पेशेंट को अभी 1-2 दिन में डिस्चार्ज करने का प्लान है। ये जो मरीज जिसके बारे में हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभी विस्तृत जानकारी देंगे, ये पॉलीट्रॉमा मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा मिसाल हम लोगों ने अपने अस्पताल में पूर्ण किया है। एक साथ 5 टीमों के डॉक्टर्स एक ही मरीज पे ऑपरेशन किए हैं। हड्डी का फ्रैक्चर का मैनेजमेंट, आँख का मैनेजमेंट, ब्रेन में जो ब्लीडिंग हो रही थी उसका मैनेजमेंट, ये सब एवं प्लास्टिक सर्जरी, आँख के रिपेयर के मैनेजमेंट, चारों पांचों डिपार्टमेंट्स मिल के एक साथ काम किए हैं। पॉलीट्रॉमा मैनेजमेंट ऐसे ही होता है जहाँ पे एक ही मरीज के लिए बिना वक्त के नुकसान किए तुरंत उसका इलाज किया जाता है। हमारा अस्पताल इस मामले में पूरी तरह से युक्त है और भविष्य में भी ऐसा कोई मरीज आएगा तो हम जरूर उसका इलाज सफलतापूर्वक करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर रंजन सेन गुप्ता, मेडिकल सुपरिटेंडेंट की हैसियत से SR हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। पॉलीट्रॉमा का अर्थ होता है यूजुअली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से, गाड़ियों से जो एक्सीडेंट होता है, ट्रक हो चाहे बस हो चाहे गाड़ी हो, ये शरीर के विभिन्न अंगों को चोट पहुँचाता है। खाली हड्डियों का चोट नहीं, मस्तिष्क में भी चोट लग सकता है, छाती में चोट लग सकता है, पेट में चोट लग सकता है। और यूजुअली ये पेशेंट्स जो बहुत ही गंभीर स्थिति में आते हैं, क्योंकि काफ़ी रक्त बह चुका होता है और इनके जान को खतरा, तुरंत अगर ठीक से इलाज नहीं किया जाए तो कभी भी उनकी मौत हो सकती है। और गत 3 महीनों में हमने लगभग 20 से 25 ऐसे पॉलीट्रॉमा केसेस मैनेज किए हैं और उनका सफलतापूर्वक ऑपरेशन भी किया गया है। हमारे अस्पताल में न्यूरोसर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, वैस्कुलर सर्जरी, GI सर्जरी, एब्डोमिनल सर्जरी, सारे स्पेशलिस्ट 24 घंटे उपलब्ध हैं एवं किसी भी इमरजेंसी अगर आ जाए तो 2 घंटे के अंदर उसका ऑपरेशन का बंदोबस्त करके हम उनको सफलतापूर्वक इलाज करते हैं। ऐसी एक मरीज हमारे यहाँ आया था जिसके शरीर के विभिन्न अंगों में चोट लगा था, जिसके बारे में हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो हैं वो जानकारी देंगे। आज SR हॉस्पिटल पॉलीट्रॉमा के नाम पे इस मीडिया के माध्यम से ये सूचना जरूर देना चाहेगा कि हमारा अस्पताल सारे सुविधाओं से युक्त है। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, बाकी जितने भी ब्लड बैंक और पैथोलॉजी लैब, सारे चीज़ों के पास हमारे पास उपलब्ध हैं और जो मरीज हमारे यहाँ आता है एक ही छत के नीचे सारे चीज़ों की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। चूँकि जैसा मैंने बताया, ये हाईवे पर स्थित है, पॉलीट्रॉमा का हम विशेष ध्यान देते हैं और भविष्य में भी किसी भी इस तरह के मरीज अगर आए तो हम सफलतापूर्वक इलाज करेंगे, ये हमारा दावा है। धन्यवाद जी सर। ऐसे आके ऐसे तकलीफ दिखते सर, पहले नहीं दिख रहा था, अभी अभी 3 दिन हो गए आराम से दिखा था। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के चेयरमैन संजय तिवारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं संजय तिवारी, चेयरमैन SR हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग। SR हॉस्पिटल में एक मरीज जो रामेंद्र जंघेल, जिसे कई जगह फ्रैक्चर था, मल्टीपल फ्रैक्चर था, वह इलाज के लिए यहाँ भर्ती हुआ। SR हॉस्पिटल जो कि सेवा के लिए समर्पित है, मानव सेवा के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए, यहाँ की पूरी टीम तत्पर रहती है। 24 घंटे हमारे द्वारा
जो है सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। हमारे अस्पताल में पॉलीट्रॉमा के केस आते हैं और हमारे यहाँ ट्रॉमा यूनिट है। SR हॉस्पिटल में एक मरीज जो रामेंद्र जंघे लाया, जिसकी उम्र 24 वर्ष थी, वह इधर खैरागढ़ क्षेत्र के आसपास से आया और उसे मल्टीपल इंजुरी थी, जिसका सर में भी चोट लगी थी, आँख में चोट लगी थी, नाक के हिस्से में साइनस में चोट लगी थी, कान में चोट लगी थी और हाथ पैर में भी चोट लगी थी। तत्काल मरीज को सारी जांच जो है वो सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, सारी जांच की गई, मरीज का एक्सरे तत्काल किया गया, मरीज का सीटी हेड तत्काल किया गया और जांच में यह पाया गया कि मरीज के सर में जो खून है वो जमा हो गया है, हड्डी जो है फ्रैक्चर हो चुकी है, आँखों में गंभीर चोट लगी है। इस प्रकार मरीज को कई जगह चोट लगी थी, तो हमारी टीम ने तत्काल, जो सारी टीम ने इकट्ठा होके एकत्र होके ऑपरेशन थिएटर में जांच के बाद तत्काल मरीज को लिया और ऑपरेशन को किया। ऑपरेशन पूर्णतः सफल रहा, मरीज अभी पूर्णतः स्वस्थ है, मरीज की छुट्टी हो रही है। SR हॉस्पिटल का जो उद्देश्य है वह ये उद्देश्य है, क्षेत्रवासियों को सस्ता इलाज उपलब्ध कराना। हमारे यहाँ डॉक्टरों की टीम 24 घंटे उपलब्ध रहती है। हमारे यहाँ अस्थि व वात रोग विशेषज्ञ, न्यूरोसर्जन, न्यूरोफिजिशियन, कार्डियोथोरैक्सिक सर्जन और प्लास्टिक सर्जन, अन्य सभी विभाग के डॉक्टर 24 घंटे अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। जब कोई भी मरीज SR हॉस्पिटल से ठीक होकर सकुशल अपने घर वापस पहुंचता है तो हमें लगता है कि यही सच्ची असली कमाई है और इस अस्पताल पर देवी कृपा है, प्रभु का आशीर्वाद है। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मरीज ठीक होकर अपने घर सकुशल पहुँचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का, ग्रैंड चैनल का, जो आपके माध्यम से क्षेत्रवासियों को अस्पताल की सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। गौरतलब है कि अत्याधुनिक मेडिकल संसाधनों से लैस SR हॉस्पिटल में अन्य अस्पतालों की अपेक्षा कम शुल्क में मरीजों का उपचार और ऑपरेशन किया जाता है। अस्पताल की विश्वसनीयता के कारण दूर दराज के क्षेत्रों से मरीज यहाँ उपचार कराने पहुँचते हैं। मानव सेवा ही माधव सेवा को अस्पताल के चेयरमैन ने अपना मूल मंत्र बताया है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।